23,000 पर मंथ, पर ईयरली पर मंथ। अब हम इनकी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मेहंदी से रिलेवेंट और ये है रेड मेहंदी और ये पूछते हैं कि मेहंदी चैनल की इनकम पर वीडियोस तफसील से बनाएं। ये पूछना चाह रही है कि मेहंदी चैनल की जो इनकम है ना वो कितनी होती है और जो मेहंदी चैनल के लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब पे आकर अपनी मेहंदी चैनल की वीडियोस को क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई डिज़ाइनिंग सिखा रहा है कोई मेहंदी लगाना सिखा रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काम एक और है, मैं ये समझा के थक गया हूँ लेकिन आप लोग नहीं समझते, काम एक हो रहा है उसी चैनल के ऊपर, लेकिन क्यों ऐसा आप लोग करते हैं कि जो बंदा मेहंदी डिज़ाइनिंग सिखा रहा है तो डेफिनेटली वो डिज़ाइन बता रहा है ना आपको बेसिकली। एक तो वो यूट्यूब क्रिएटर हैं जो कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, पिक्चर को डाउनलोड की मेहंदी डिज़ाइनिंग की और अपनी वीडियो में आए, यूट्यूब पे वीडियो बनाई और आपको डिज़ाइनिंग दिखा दी, वो एक एक इमेज चल रही होती है। एक पर्सन वो है, एक यूट्यूब क्रिएटर वो है जो कि अपना जो उसके माइंड में क्रिएटिविटी है ना वो बेसिकली उसको कैमरे के अंदर वो शूट कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आती है आप लोगों के साथ कि आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग सिखाते नहीं हो, सिवाय एक दो चैनल के जिनके साथ मेरा लिंक है, वो उन्होंने मैंने उनके चैनल को विजिट की है, वो बोलती हैं फीमेल्स कि अब यहाँ ऐसे करना है ऐसे करना है। आपको पता है हाथ पकड़ने का स्टाइल भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, यानी कि आप अगर मेहंदी किसी के हाथ पे लगा रहे हो, वैसे ये टॉपिक नहीं है मेरे माइंड में आगे तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, मेरे पास टाइम अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा और चीज़ें भी मैनेज नहीं हो पा रही। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू शूट मेहंदी वीडियो, कि आप लोगों को शूटिंग ही नहीं आती। लेकिन मुझे आप लोगों से क्वेश्चन ये करना है, आप कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप लोग मेहंदी को शूट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आप लोग मुझे बताइएगा, मिरर होता है और वो जो हाथ होता है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो ज़रा कमेंट्स में लिखिएगा। हाथ के ऊपर शीशा आ गया, शीशे के ऊपर आप लोग अपना हाथ रख के उसको डिज़ाइन कर रहे होते हो तो वो उसको क्या कहा जाता है, ताकि मुझे आप कुछ चीज़ें डिटेल बताएंगे, गैजेट जो जो आप इस्तेमाल करते हो, तब मैं फिर उसके ऊपर उस हिसाब से वो इक्विपमेंट जो होंगे वो इकट्ठे करूँगा अपने घर में और एक प्रॉपर तरीके से शूट करूँगा और आप लोगों को लगा के दिखाऊँगा कि आया कि ऐसे शूट किया जाता है। तो आपने ज़रूर कमर्स करना है। अब विद प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि मेहंदी चैनल का जो उनका क्वेश्चन है कि मेहंदी की जो बेसिकली इनकम है वो कितनी होती है। अगर तो आप किसी की पिक्चर उठाते हो और उठा के अपने अपनी वीडियो की सूरत उसको उसमें इख्तियार हो जाती है तो वो कॉपी पेस्ट काम आ गया और कॉपीराइट इशू कभी भी उसके अंदर आ सकता है। तो आपको देखना यहाँ पे ये है कि आपने अपना वर्क करें तो वो लाख तरह बेहतर है, अपना वर्क आपने करना है, आपने कॉपी पेस्ट काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जो पर्सन खुद से सामने तो चलो नहीं आ रहे आप लोग, लेकिन शूट करके दिखा रहे हैं, मेहंदी डिज़ाइनिंग करके दिखा रहे हैं, उनके लिए तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो क्या है वो मैं आपसे अभी नहीं शेयर करूंगा, तो लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूंगा। मैं विद प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे बता दूँ हज़ार कमा लो लाख कमा लो तो वो आपके माइंड में नहीं आएंगी। स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेहंदी डिज़ाइन हैंड, ये आ गया है मेहंदी डिज़ाइन हैंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ये मैंने रैंडमली अपना सर्च किया है कि मेहंदी डिज़ाइन हैंड्स, मैं फुट भी कर सकता था लेकिन मैंने वैसे आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहली एक दो को पिक करना है, 1.9 मिलियन व्यूज़ और दो महीने पहले इन्होंने वीडियो को अपलोड किया। एक तो मैं इनका चैनल देखता हूँ, दूसरे नंबर पर ये भी एक बड़ा अच्छा चैनल मुझे लगा, 1.4 मिलियन टू मंथ अगो, सेम वही ऊपर वाली वीडियो, लेकिन ये चैनल 99 आर्स, ये वेरीफाइड चैनल है। तो मैं पहले तो इनके चैनल पर आता हूँ। अच्छा, मैं आपको जो टेक्निक समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये नहीं है कि मैं आपको वर्बली बता दूंगा, नहीं, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आया कि मेहंदी चैनल वाले कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे और क्या आप लोग कमा भी सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। तो यहाँ पर एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं सोशल ब्लेड, ये आप खुद भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर बैठ के, ठीक है। सोशल ब्लेड ये वेबसाइट है, यूट्यूब पर करना है तो मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
आप इस वेबसाइट के ऊपर मैं इनके जो चैनल का नाम है ना वो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं करवाता हूँ सर्च। सर्च करवाता हूँ तो देख सकते हैं कि यही डीपी लगी है और यहाँ पे भी यही डीपी लगी है, तो ये चैनल आ चुके हमारे सामने। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड, यानी कि 299 इनकी वीडियोज जो हैं वो अपलोड हुई हैं। इनके सब्सक्राइबर 372K हैं और ये देखिए जी 372K इनके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कितने हैं, ये पूरी डिटेल लाखों में जा रही है तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद PK, इसका मतलब ये पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद ये मई 2020 में ये चैनल बना था। और उसके बाद आ जाते हैं हम इनकी अर्निंग के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान वाले भी चैनल, और मुझे नहीं था कंफर्म कि पाकिस्तान, मुझे लग रहा था इंडिया वाला होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के कोई फीमेल्स हैं। अच्छा जी, इनकी मंथली इनकम कितनी, एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, और उसके बाद आ रहा है ईयरली अर्निंग, हम दोनों चेक करते हैं। एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1.5K, के का मतलब 1000 और 23K, के का मतलब 1000। अब मिनिमम मतलब 1.5 से लेकर 23,000, तो ये डॉलर कमा रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर, ये देख सकते हैं डॉलर। ठीक है, तो इतने डॉलर कितने, 23,000 पर मंथ, पर ईयरली पर मंथ। अब हम इनकी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं, 23 है तो मैं 23 नहीं करता, मैं 15 कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये वेबसाइट झूठ बोल रही है, मैं 15 करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15,000 जरब मल्टीप्लाई और डॉलर, पहले तो मैं देख लेता हूँ पाकिस्तान का डॉलर क्या रेट है, पाकिस्तान डॉलर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, रेट तो यहाँ पे 220 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं 220 आ रहा है, ये देखें 220, तो 220 को भी हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं 200 है। तो यहाँ पे मैंने किया 15,000 मल्टीप्लाई और 200 एंटर किया, तो यहाँ पे कितनी इनकम आ गई इनकी, देख सकते हैं 30 लाख अपने चैनल से, और ये एस्टिमेटेड अर्निंग है, और मैंने ये मिनिमम लगाया, डॉलर को भी मैंने मिनिमम कर दिया और इनकी अर्निंग को भी मिनिमम कर दिया। अच्छा, जब हम ये 30 लाख के करीब जा रहे हैं तो हम इनके चैनल को यहीं पे स्किप करते हैं। अब हम दूसरे चैनल, मैंने कहा था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरली भी इनकी आ रही है, ये देख सकते हैं, ये अब आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इनके चैनल को बंद करता हूँ। अभी जो वेरीफाइड चैनल है ना 99 और आर्ट्स, इसको मैं पिक करता हूँ और यहाँ पे इनको मैं कॉपी करता हूँ, और मुझे लगता है इनके ज़्यादा होंगे इससे भी। तो किधर गया, ये रही वेबसाइट, अब सर्च, ये रहा सर्च, कंट्रोल डी एंटर, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, ले जी यही वाला 99 आर्ट्स, ये आ गया चैनल, इनके इनकी वीडियोस व्यूज ये देखें, वीडियोस के ऊपर व्यूज इतने हैं। कंट्री रैंक कर रही है इनकी इंडिया, ये इंडिया का चैनल है अब। ठीक है, अब इनकी एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग वही है तकरीबन जो उनकी आ रही थी। ठीक है, ये देखें 28 के राउंड अबाउट है, और उनके चैनल की कितनी थी, वापस आता हूँ ज़रा, इधर लिखा हुआ है 28 और 1.8 और 28 से था ना, मैं बैक आता हूँ, ये देखें जी 1.5 से और 23, ठीक है उनकी ज़्यादा है, मैंने आपको पहले कहा था वो वेरीफाइड चैनल है। ठीक है, अभी 28 है तो इसको, उसको हमने 20 किया था, अब इसको मैं 25 कर देता हूँ, चलो 25,000। तो डॉलर, अब इंडिया में डॉलर का क्या रेट है, मैं इंडिया का चेक करता हूँ, इंडिया डॉलर रेट वहाँ पे कम होगा, 150 के करीब होगा, 2.269 हमसे ज़्यादा है, नहीं बहरहाल इस पर आ नहीं रहा, लेकिन मैं अपने माइंड से लगा रहा हूँ। अब इनका आ रहा है 28,000 यानी कि 28,000, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं 22 कर देता हूँ, कि ये 22,000 जो है ना डॉलर कमा रही हैं, 22,000, और इनके डॉलर जो है वो 200, हमारा यहाँ पे चलो मैंने 200 लगाया, वहाँ पे आप लगा लो 150 एंटर, तो 33 लाख के करीब है, ये देख सकते हैं आप पर मंथ, ईयरली पर मंथ, ईयर कितना छाप रहे हैं ये आपको पता है। अच्छा जी, इनके चैनल पे है क्या ऐसा, हम देख लेते हैं, वाओ अच्छा है, अच्छा थंबनेल है, अच्छी चीज़ें हैं, और मतलब एक क्लिक के ऊपर ही मुझे आइडिया हुआ कि इनका चैनल अच्छा काम कर रहा है। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, एक बात माइंड में रखिएगा। आप अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब के पास, यूट्यूब वीडियो से कमेंट्स में भी, और
इंस्टा पे भी और व्हाट्सएप पे भी कि सर उस चैनल वाले ने तो टाइटल भी नहीं सही लिखा, उस चैनल वाले की तो थंबनेल अच्छी नहीं है, उस चैनल वालों के तो ये नहीं मसले, उस चैनल को 100 मसले हैं यार, आप क्या कर रहे हो डिपेंड ये कर रहा है। उसको छोड़ दो, दो किस्म के बंदे हैं ना, एक वो है आपने सुना होगा ना कि कई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है, तो आप समझो उसकी लक काम कर गई, आप लोगों की लक काम नहीं कर रही है, कर जाएगी जब करनी होगी, काम प्रॉपरली प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए SEO प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है, क्वालिटी को हर वीडियो के अंदर मेंटेन रखना है, हर वीडियो की थंबनेल की क्वालिटी को मेंटेन कर रखना है आपने, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है सब कुछ छोड़ के आप क्या कर रहे हो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। एक मिसाल के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा। पहाड़ पर चढ़ने के 100 रास्ते हैं, पहाड़ पर चढ़ने के 100 रास्ते हैं, लेकिन आपने जिस रास्ते पे चढ़ना है ना वो एक रास्ता है, तो आपने अपना रास्ता इख्तियार करो, बाकियों को गोली मारो, अपने रास्ते पे ठीक कर लो। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।